देखिएगा गाइज, एक आस्तीन मैंने ये रेडी कर दी है, देखिए इस तरह से। अब दूसरी आस्तीन मैं आपको दिखाऊंगी, जिस तरह से मैंने ये आस्तीन रेडी की है उसी तरह से ये वाली आस्तीन बनेगी, सेम तरीके से, सेम ही तरीका आगे के ये फंदों को सीधा करने का है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि मैंने ये बॉर्डर कितने इंच का इसमें लगाया है। ये देखिए 2 इंच का ये बॉर्डर मैंने इसमें लगाया है, और आस्तीन में थोड़ा सा कम किया है मैंने, तो ये करीब 1.25 इंच का आ रहा है। बस आप इतना ही बॉर्डर रखें। अब देखिए ये किस तरह से ये फंदे हमारे सीधे होंगे, वैसे मैंने अगले पार्ट में भी बताया है सेम तरीके से होंगे। देखिए 2 फंदे बुनेंगे हम, 24-24 फंदे हैं ये हमारे। आप आस्तीन में जितने रखना चाहे रख लें, और 75-70 फंदे मैंने अगले पार्ट में रखे हैं। अगर आपको और ज्यादा करना है तो आप जाली ज्यादा बना लें। मैंने ये अभी दिखाई देती हूँ आपको कितनी जालियां बनाई थी। देखिए गाइस, ये जाली मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 20 जालियां बनाई थी। देखिए 2 फंदे हमने बुने, 2 फंदे बुनने के बाद हमें वापस बैक साइड का ले आना है, फिर से 2 फंदे बैक साइड पर इनको उल्टा बुनेंगे, फिर से हमें राइट साइड पर आ जाना है, फिर से इन्हीं 2 फंदों को बुनकर लाएंगे और सीधी सिलाई पर इन 2 फंदों को यहाँ से ऐड करेंगे। तो अब ये 2 से 4 हो जाएंगे। हर बार सीधी सिलाई पर 2 फंदे ऐड होकर फंदे इधर बढ़ते रहेंगे। 2 फंदे ऐड करने के बाद इन 4 फंदों को हमें बुनना है। देखिए 4 फंदे हमारे बुने गए, अब फिर से वापस हुए हैं हम, अब फिर से इन्हीं 4 फंदों को बुनेंगे पहले, और अब साथ में 2 फंदे और ऐड कर लेंगे इस साइड से, फिर से इन 6 फंदों को बुनेंगे। बस पूरे फंदे मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे डिजाइन भी आपको दिखाना है, डिजाइन किस तरह से बनेगा। बस इसी तरह से आप बुनते जाइए, फिर से ये फंदे बुनेंगे। देखिए अब हमारे ये 6 फंदे हो गए हैं, 6 फंदे बुनेंगे पहले, साथ में फिर 2 फंदों को ऐड करेंगे तो 8 फंदे हमारे हो जाएंगे। 2 फंदे अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सीधी सिलाई पर पड़ना है, जब इस साइड से हम बुनेंगे तो उल्टी सिलाई आएगी, क्योंकि इस साइड से हमें इन फंदों को सिलाई में लेना होगा। इस साइड से ये साइड सिलाई का मुंह पर आएगा। देखिए 8 फंदे हो गए हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड इसका कर चुकी हूँ। और इसके साथ का नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, तो कैप होगा, कैप बनाऊंगी मैं इसके साथ का, और उसके बाद मैं किसी के साथ का हाफ स्वेटर भी बनाऊंगी इसी डिजाइन में। बस देखिएगा इस तरह से वापस होते जाना है, हर सीधी सिलाई पे 2 फंदे ऐड करके फिर वापस हमें बैक से बुनना है। तो अब ये वाले पूरे फंदे मैं कंप्लीट कर लाऊं, लास्ट के फंदे आपको मैं दिखा दूंगी 2 फंदे। देखिए गाइस, अब ये लास्ट के हमारे यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं, अब इनको ऐड कर लेंगे। इन दोनों फंदों को ऐड किया और वापस से, और ये वाला फंदा भी इस पर सिलाई पर ले लेंगे, लेकिन इसको बुनेंगे नहीं, इसे इसी तरह लेकर और बस यहाँ से बुनेंगे ये 2 फंदे जो है हमारे। पहले इसको सिलाई पर ले लूँ मैं, फिर इस फंदे को बुनेंगे। ये वाला फंदा बुनना नहीं है, जाली जो हमारा सेंटर का फंदा आ रहा है इसको हमें सीधा ऐसे ही रखना है। देखिए ये वाला तो हमारा सीधा हो गया, कंप्लीट हो गया हिस्सा। अब हमें दूसरी साइड का करना होगा, इस धागे को कट करके यहाँ से उधर लगाना होगा ये धागा। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच पाएगी। और एक मेरा एक चैनल और है विलेज फूड के नेम से, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें उस चैनल पर भी, मेरा खाने की रेसिपी है उस चैनल पर। देखिए गाइज, अब इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे।
ये बिल्कुल सीधा हो गया एक हिस्सा। अब गाइज अगर आपके पास सर्कुलर है सिलाई तो आप ये इन फंदों को इस तरह से इस साइड ले आएंगे, देखिए इस साइड, क्योंकि इस साइड से बुनना है अभी इधर वाला हिस्सा हमें। और अगर आपके पास नहीं है सर्कुलर सिलाई तो आप ऐसा करेंगे कि इस सिलाई में यहां से फंदे पिरो लेंगे, निकाल कर इन सिलाई इतने ही फंदे और इस सिलाई में पिरो कर बुनेंगे। अब देखिए इस साइड से हमारा उल्टा पड़ रहा है, ये हमारा उल्टा आ रहा है। अब यहाँ पहले हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक तरफ से सीधा आता है और एक तरफ से उल्टा आता है। अब इन दोनों फंदों को बुनने के बाद वापस से पलट कर सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर ऐड करेंगे। ये देखिए इन फंदों को हमने सीधा बुन दिया, इसको यहाँ पर नोट लगा देंगे एक। अब देखिए फिर से इन दो फंदों को बुनेंगे और साथ में दो फंदे इस साइड से भी हमें ये ऐड करने हैं। देखिए यहाँ से दोनों फंदों को ऐड कर लिया, फिर अब चार हो गए हमारे फंदे। वापस से पलटा, सीधा बुनेंगे, बस इसी तरह से ये इधर का भी अलग अलग दोनों फंदों का ये अलग अलग सीधा करना होता है, फिर साथ में ये फंदे हमारे एक साथ मिल जाते हैं। तो देखिए अब चार हो गए थे ये, अब हम दो फंदे और लेंगे साथ में ऐड कर लेंगे। बस इस तरह से ये बुना जाएगा। तो गाइस अब मैं ये फंदे लास्ट तक ले आऊं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। देखिए गाइस लास्ट के अब ये हमारे दो फंदे बचे हैं, इनको भी ऐड कर लेंगे हम और वापस से हम इनको लौट जाएंगे। पूरे फंदे हम ये बुनेंगे। देखिए गाइस अब हमारी ये उल्टी सिलाई आई है, अब हम पूरी उल्टी सिलाई पूरे फंदों की बुनेंगे लास्ट तक, क्योंकि अब हमारे सब फंदे इक्वल हो चुके हैं। तो पूरी सिलाई ये हमारी यहाँ तक उल्टी बुनी जाएगी। देखिए गाइस उल्टी सिलाई कंप्लीट कर दी, अब एक सीधी सिलाई कंप्लीट होगी, उसके बाद एक उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट होगी, फिर जो सीधी सिलाई आएगी उस पर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये पूरी सीधी कंप्लीट होगी कि सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट होने वाली है, बस इसके बाद उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम सीधी सिलाई पर डिज़ाइन डालेंगे। तो ये उल्टी सिलाई और मैं कंप्लीट कर लाऊँ, पूरी उल्टी कंप्लीट होगी वाइट कलर से ही। देखिए गाइज अब ये डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा हम दूसरे कलर से बनाएंगे। सीधी सिलाई पर ये डिज़ाइन डल रहा है, चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन होगा। अब देखिए तीन फंदे हम बिना बुने निकाल लेंगे, फिर से एक फंदा हम बुनेंगे, फिर से एक फंदा बुना, फिर से तीन फंदे हम ये बिना बुने निकालेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। थोड़ा सा ढील देकर बुनना है तो ये यहाँ पर खींचेगा नहीं, थोड़ा सा इस तरह से फैला देते हैं फंदों को तो ये ठीक से यहाँ पर बुनकर आता है। बस ये वाला फर्स्ट रो पर हमें यही करना है कि तीन फंदे बिना बुने और एक फंदा बुन देंगे। पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से ये करना है, एक फंदा बुना, तीन फंदे हमारे बिना बुने निकाले जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, सेकंड रो पर उल्टी सिलाई है, पहले हम इसी फंदे को इसी कलर से बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा भी इन तीन में का हम इसी कलर से बुनेंगे। अब एक फंदा हमें सिर्फ बीच वाला फंदा बिना बुना निकाल देना है। अब यहाँ पर भी ये एक फंदा बुना, दूसरा बुना, तीसरा बुना, अब ये तीन फंदे हो गए। अब एक फंदा बीच का हमने बिना बुना निकाला, बस इसी तरह से ये वाला हमारा ये रो हमारी कम्प्लीट होगी सेकेंड रो। तीन फंदे हमारे दूसरे कलर के हो गए, सिर्फ बीच वाला फंदा हमें व्हाइट निकालना है। पूरी सिलाई इसी तरह से हमारी कंप्लीट होगी।
ये देखिए रॉ नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुई, अब हमारी रॉ नंबर थर्ड आई है। तो रॉ नंबर थर्ड पे हमें क्या करना है, पूरी सिलाई हमें सीधी जिस कलर से डिज़ाइन बना रहे हैं उसी कलर की निकालनी है। पूरी रॉ हमारी ये सीधी कंप्लीट हो जाएगी, अब कोई फंदा हमारा वाइट नहीं रहेगा या जो भी कलर आप लगा रहे हो। पूरी रॉ कंप्लीट होगी, देखिए रॉ नंबर थर्ड भी हमारी कंप्लीट हुई। अब रॉ नंबर फोर्थ उल्टी सिलाई आएगी, उसको भी हम पूरा उल्टा इसी कलर से बना देंगे। लास्ट रॉ है ये इस डिज़ाइन की, फिर हमारा सेकंड कलर लगेगा। तो पूरी रॉ हमारी उल्टी कंप्लीट होगी, तो ये पूरी उल्टी कंप्लीट कर लाऊं मैं। अब देखिए गाइज हमारा सेकंड कलर भी सेम तरीके से लगेगा, फर्स्ट रॉ की तरह से ये कंप्लीट होता रहेगा, क्योंकि लेकिन जब हम फंदे थोड़ा सा घटाएंगे इसमें, देखिए ये फंदा हमने बुना, अब हम तीन फंदे बिना बुने निकालेंगे। बस हमारा ये जो जब हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो फर्स्ट फंदे पर हमने डाला था इस पर ही ये आना चाहिए, क्योंकि इधर जब फंदे घट जाएंगे तो आपको थोड़ा सा देख कर डालना होगा। बस इसी तरह से ये रॉ कंप्लीट होगी। देखिएगा उल्टी सिलाई आई है गाइज हमारी, अब हमें क्या करना है, देखिए एक फंदा बुना हमने, अब हमें यहाँ पर इन दो फंदों का एक बनाना है, ये फंदा, तो इन दो का एक बना देंगे। और बस इन फंदों को भी हम, ये जो फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी वाइट ही हो जाएंगे, क्योंकि दो का एक बनाया है हमने। अब ये वाला फंदा उतारेंगे, क्योंकि अब हमें आज तीन को ढाल देना है, थोड़े हमें कम से कम इसमें से 10 फंदे घटाने हैं। किसी किसी सिलाई पर आप दो दो फंदे घटाते जाइए, एक स्टार्ट में और एक लास्ट में। बस इसी तरह से कंप्लीट होगा, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब देखिए लास्ट में जो ये फंदा है गाइस, ये एक फंदा जो हमारा इस तरह से उतरता है, इसे इस तरह से नहीं उतारेंगे, दो फंदे हमें लास्ट में भी ये दो का एक बनाना है। तो अब हमारा दोनों साइड से एक एक फंदा घट गया है। इन सब फंदों में से हमें, देखिए दो तो हमारे घट गए, अभी हमारे 8 फंदे और घटेंगे, किसी किसी सिलाई पर किसी किसी डिजाइन पर जाते हुए हम घटा देंगे। देखिए अब जो है हमारा ये पूरी रॉ हमारी ये सीध सफेद, ये जो हमने व्हाइट कलर सफेद वाला कलर लगाया है इसी से कंप्लीट होगी, सेम तरीके से जैसे मैंने आपको शुरू की 4 रॉ बताई हैं उसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए गाइज मैंने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर दी 4th रॉ व्हाइट कलर की। अब देखिए हमारा तीसरा कलर लगेगा, तो उसमें पहला फंदा तो हमारा वही रहेगा, लेकिन अब देखना होगा हमें, देखिए ये जो फंदा है जो सबसे पहले हमने बुना था व्हाइट वाला, ये जो नीचे की साइड दिखाई दे रहा है इस पर आएगा, तो बीच में सिर्फ अब हमारे दो ही फंदे रहेंगे, क्योंकि हमने फंदे घटा दिए हैं इसमें, तो यहाँ पर दो रहे या एक रहे बस आपने ये देख कर डालना है कि कौन से फंदे पर हमें ये डालना है। अब देखिए एक दो फंदे निकाल दिए, अब इस वाले पर आएगा ये, फिर हमारे ये तीन फंदे निकलेंगे यहाँ पर, फिर इस फंदे पर आएगा। बस इस तरह से आप देख कर डालेंगे कौन सा फंदा हमारा ये पहला पड़ रहा है, ये चोच अलग दिखाई दे रही है निकली हुई, तो बस इन्हीं फंदों पर हमें ये चेंज करना होगा कलर। अब देखिए गाइस रॉ नंबर थर्ड आई है ग्रीन कलर की, तो पहला फंदा तो मैं बुनूंगी, अब दो फंदे में इस पर भी घटाऊंगी, दो का एक बनाऊंगी, क्योंकि अब ये हमारा पूरा कलर की सिलाई एक ही कलर की होगी थर्ड रॉ। बस आप इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लीजिएगा, देखिए किस तरह से डिज़ाइन दिए हैं मैंने, पहले हमने ये दे दिया, फिर वाइट का दिया, फिर ग्रीन का दिया, फिर वाइट का दिया, फिर ग्रीन, फिर वाइट, फिर हमने ये गाजरी कलर लगाया जो ऊपर लगाया था। बस इसमें से आपने 10 फंदे घटाने हैं टोटल पूरी आस्तीन में नीचे बॉर्डर तक, तो 6 फंदे तो आप ये डिज़ाइन में ही चलते हुए घटा दें, 4 हमारे घट गए हैं, इसी तरह से 2 फंदे मैं और किसी सिलाई पर घटा दूंगी, और उसके बाद आप 4 फंदे बॉर्डर जब बनाए तब घटा दें। बस आपने 2 सिलाइयां, देखिए आस्तीन में नीचे जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो 2 सिलाइयां एक उल्टी एक सीधी बना देनी है, और फिर सीधी सिलाई पर ये एक उल्टा एक सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा, और उल्टी सिलाई पर आपने जो बनाना है, जिसको सीधा बनाया है उसको उल्टा बनाना है, जिसको उल्टा बनाया है उसको सीधा बनाना है, इस तरह से ये बॉर्डर आप कंप्लीट कर लें।
हमारा ये कार्डिगन रेडी हो चुका है, दोनों आस्तीन बन चुकी है हमारी। अब हमें थोड़ा ये गले का देखना है, या तो यहाँ पर आप एक लुप्पी बना दे चेन बनाकर क्रोशिया से और यहाँ बटन लगा दे, या फिर मैं एक तरीका ये कर रही हूँ इसमें कि मैं यहाँ से ये कुछ फंदे उठाऊंगी और एक छोटी सी पट्टी सी बना देंगे इस पर, और उसमें हम काज करेंगे, होल कर देंगे। तो ये मैं फंदे देखिए, इस पट्टी में से मैं कुछ फंदे यहाँ से उठा रही हूँ, तो हम एक पट्टी बुनेंगे। ये देखिए, लास्ट का फंदा हमारा यहाँ से आएगा, एक फंदा हमारा ये आ गया। अब गाइस देखिए, हमें जो है इसमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा ही हम इसमें बुनेंगे, यहाँ से एक फंदा हमने उल्टा बुना, उनको पीछे पहुंचाया, जिस तरह से हमने बॉर्डर बनाया है सेम उसी तरीके से हम थोड़ी सी ये पट्टी बना देंगे। और जो हम उल्टा बुन रहे हैं दूसरी सिलाई पर, उसको हम सीधा बुनेंगे, और जिसको सीधा बुना है हमें, हम उसको उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, ये सीधा बुना था तो इसको तो हम उल्टा बुनेंगे, और ये सीधा था तो इसको हम अलग ही दिखाई दे रहा है ये सीधा फंदा। बस इसी तरह से आपने बनाना है, बस थोड़ी सी पट्टी बना लाऊं मैं। देखिए गाइज, आप इतना कर लें जितना ये हमारा यहाँ पर, देखिए इस तरह से कि बटन हम यहाँ पर लगाएं तो बटन में हमारा काज भी ठीक से आ जाए और यहाँ तक हमारी ये पट्टी आ जाए, तो काफी सही आ रही है ये पट्टी हमारी। एक दो सिलाई और मैं किए देती हूँ। देखिए गाइज, अब हम यहाँ पर काज बनाएंगे। पहले ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक ये उल्टा यहीं पर बनाएंगे काज हम। देखिए इस, ये जो हमारा फंदा है, ये ऊन जो है हमारी, इसे इस तरह से लपेट देंगे सिलाई पर, और नेक्स्ट दो फंदे हम यहाँ बुनेंगे। हमने दो फंदे बुन दिए हैं, ये भी हमारा उल्टा ही आ रहा है तो उल्टा ही बनाएंगे। अब देखिए, जो हमने ये जाली सी डाली है, इसका हमारा फंदा बढ़ जाएगा, जो हमने दो बुने थे होल के लिए, तो ये फंदा हमारा यहीं पर बढ़ जाएगा। अब हमारा काज होल भी हो गया है, देखिए ये रहा। बस अब मैं एक सिलाई पूरी करने के बाद इन फंदों को बंद कर दूंगी। देखिए गाइस, अब ये यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। जो धागा हम छोड़ते हैं उसे सुई में डाल लिया है हमने, और बहुत ही सफाई से और बहुत ध्यान से इसकी सिलाई करनी है, क्योंकि जो ये हमारी डिजाइन में पट्टी आ रही हैं, बराबर बराबर ही रखकर इनको सिलाई करना है आपने। बस इसी तरह से आप इनको सिलाई करते जाएंगे। अब मैं देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई कर लाऊं, यहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आस्तीन सी दी है इस जगह तक। अब ये नीचे से मैं ये जो बॉर्डर का हमारा धागा था उसको मैंने निडिल में डाला है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे, बस चारों तरफ से इसी तरह से सिलाई होगी। आप एक बटन लगा देंगे यहाँ पर जो मैंने ये पट्टी बताई है, और कैसा लगा आपको ये डिजाइन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।